हम यहाँ लंदन में है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम कश्मीर और हम अपने आप को एक मुर्दे की तरह समझ सकते हैं। आप ऐसा समझिए कि हम 12 दिन से अपने घर में बात नहीं कर पा रहे हैं। 12 दिन हो गए, इवन मुझे पता नहीं है मेरे बाप कैसे है, कहाँ है, मेरी बहनें कैसी है, वो कुछ खाती है कि नहीं है, उनको मतलब मेडिसिन मिल रहा है प्रॉपर का। मेरे पापा बीमार है, उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, मुझे पता ही नहीं वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं। आप ऐसा समझिए कश्मीर को मुर्दा घर बना के रखा है। हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि हम सो भी नहीं पा रहे हैं। ईद कैसे गुजरी वो तो हमें पता ही नहीं है। दिन का रात का सिर्फ ही सोचते रहते क्या बात हो जाए, एक बात हो जाए अपनी माँ के साथ, एक बात में उसकी सुन लूं बेटी ठीक हो। हम बहुत बेबस है, बहुत बेबस है, कर ही नहीं पाते। कश्मीर को एक पूरा मुर्दा घर बना के रखा है। कम्युनिकेशन ऑफ है, लैंडलाइन ऑफ है, टीवी ऑफ है, केबल ऑफ है, पूरी आर्मी भर के रखी है वहां पे। बाहर नहीं जा सकता बंदा, डॉक्टर के पास नहीं जा सकता बंदा। क्या समझ के रखा है कश्मीरियों को, जानवर, जानवर से भी बदतर हालत है वहां पे। इंसान जीते कैसे है, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे जब वहां पे जाएंगे, कितना जुल्म करेंगे हम पे। हम जानते हैं, घर में एक बात नहीं कर पा रही, मुझे जिंदा जिंदा हमसे जुदा कर दिया, माँ बाप को जुदा कर दिया, जुदा कर दिया। कैसे हो खाना खाया पर वहाँ पे पूरी कम्युनिकेशन बंद कर दिए। यहाँ पे आई हूँ किसी तरीके से उनको बात पहुँचाने के लिए, प्लीज हम पे रहम करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा हम करें भी तो क्या करें, किससे बोले। प्लीज अगर इस वजह से, इस मीडिया की वजह से हमें कोई आसानी हो जाए तो मेहरबानी हो जाए। और इंसान को इंसान समझिए, ना जानवर। जानवरों की तरह कमरे में बंद करके पीछे से लॉक लगा के टीवी चैनल्स एवरीथिंग इज लॉक के, इवन लैंडलाइन बांधे वहां पे। पुलिस वाले को दो दो घंटे, तीन तीन घंटे फोन करना पड़ता है, एक बात करा दीजिए तो वो टाइम देता है। रात के 10 बजे 11 बजे फोन करो तो बात कराएंगे। रब्ता ना हो तो वो उसकी हाल क्या हो जाएगा। और वो माँ समझ सकती है अगर उसकी बेटी की उसके साथ बात ना हो तो उसकी हाल क्या हो जाएगी, वो क्या करेगी फिर। ऐसे हम जिंदा मुझे लगता है मैं मर चुकी हूँ, किसी से रास्ता ही नहीं है। मेरी बहनें वहाँ पे पता नहीं वो किस हाल में, ठीक है जिंदा है, मरी तो नहीं है पता भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं। ये समझ लेना बहुत मुश्किल है, सिर्फ इंसान समझ सकता है, जिसके पास दिल है वो समझ सकता। अरे हमें कश्मीरियों को जिंदा रहने दो, हम जिंदा रहना चाहते हैं।